दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। NCVT एग्जामिनेशन 2022 प्रैक्टिकल के हॉल टिकट जारी हो चुके हैं और प्रैक्टिकल का एग्जाम सेकंड ईयर वालों के लिए 3 अगस्त को बताया जा रहा है। तो आप सभी प्रैक्टिकल को लेकर सीरियस हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो हमारी 5-6 मिनट के वीडियोस रोज देख लीजिए करें, आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स जरूर बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी प्रैक्टिकल की कार्य विधि में आपको क्या लिखना है। प्रैक्टिकल का जब क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें अलग अलग पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं, जैसे उद्देश्य, सुरक्षा सावधानियाँ और फिर आपको आवश्यक उपकरण, कार्य विधि और फिर परिणाम के बारे में आपको लिखना होता है। तो हमने सारे पॉइंट पर एक वीडियो बना रखा है कि क्या क्या लिखना है, लेकिन कार्य विधि में क्या लिखना है उसके लिए आज हम वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रैक्टिकल की कार्य विधि में क्या लिखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों लास्ट तक जरूर देखिए। सेकंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वहीं फर्स्ट ईयर में जब ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कार्य विधि काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर रोज नए वीडियो आ रहे हैं उन्हें देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, नया वीडियो लेकर उपस्थित हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रैक्टिकल पेपर का एनालिसिस करते हैं कि प्रैक्टिकल पेपर होता क्या है। प्रैक्टिकल का पेपर आपको एक प्रिंटेड पेपर मिलेगा जिसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन होंगे और पूरा 250 नंबर का आपका पेपर होगा। 100-100 या फिर 150, इस प्रकार से कुछ भी नंबर का हो सकता है। लास्ट वाला प्रश्न ज़्यादा नंबर का होता है और एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट बने होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। वहीं अगले दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट और तीसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट बने होते हैं। मान लीजिए यदि फर्स्ट ईयर में पहला क्वेश्चन सेल और बैटरी से टॉपिक से है तो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 3 भाग होंगे और तीनों भागों में सेल और बैटरी के बारे में भी पूछा जाएगा। मान लीजिए पहले में पूछ लिया कि सेल और बैटरी में के प्रैक्टिकल में जो आपको आवश्यक उपकरण चाहिए वो लिखिए, दूसरे में उसका डायग्राम पूछ लेंगे और तीसरे में उसकी कार्य विधि पूछ लेंगे। तो तीनों क्वेश्चनों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनता है और एक ही टॉपिक से उठाया जाता है। किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने के लिए आपको ये आवश्यक बातें पता होनी चाहिए। पहले पॉइंट पर आपको उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य कैसे लिखते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उसे देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। उस वीडियो में मैंने उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, सुरक्षा सावधानी और परिणाम कैसे लिखते हैं इनके बारे में बात की थी। तो आपको वो सारी लाइन्स कॉपी करनी है। आपका प्रैक्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उन लाइन्स को कॉपी करके लिख दीजिए, अभी आप रट लीजिए और एग्जाम में लिख दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स जरूर बनेंगे, गारंटीड है। अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किसी भी प्रैक्टिकल की कार्य विधि में क्या लाइन्स लिखनी है। तो इस वीडियो में आपको 6 लाइन्स बताई जाएगी। आपको प्रैक्टिकल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये 6 लाइन्स तो जरूर लिखनी है ताकि आपके अच्छे नंबर बन जाए। तो आप इन 6 लाइन को जरूर याद कर लीजिए और उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर देख लीजिए, आपके 100% अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रैक्टिकल का चौथा पार्ट होता है वह कार्य विधि होती है। अब कार्य विधि में क्या लिखना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा नॉलेज है प्रैक्टिकल में आप उतना एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन लाइन है जिन्होंने आज तक प्रैक्टिकल की बुक नहीं खोली है, न ही कोई प्रैक्टिकल किया है, उनके लिए ये कॉमन लाइन है। आप इनको एग्जाम में जरूर लिखिए, आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। पहली लाइन आपको लिखनी है, दी गई मशीन की नेम प्लेट के विवरण को सारणी में नोट किया। तो ये लाइन आप लिखेंगे, हर प्रैक्टिकल में काम आने वाली है कि आपको जो भी मशीन दी है उसकी नेम प्लेट पर जो भी विवरण लिखा है उसे आपने सारणी में नोट किया। अब दूसरा स्टेप आपको करना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसका आपको एक डायग्राम बनाना है। मान लीजिए क्वेश्चन है DC संट मशीन से, तो आपको संट मशीन का एक डायग्राम बनाना है। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है तो ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाना है। सेल और बैटरी से है तो सेल और बैटरी का डायग्राम बना दीजिए। तो ये आपका होगी दूसरी लाइन।
फिर आपको करना है प्रायोगिक परीक्षण के लिए उपयुक्त परिपथ का डायग्राम बनाया और उसके संयोजन किए। अब आपने डायग्राम बनाया है वो बात भी लिख दीजिए और उसके कनेक्शन किए हैं वो बात भी लिख दीजिए। फिर आपको तीसरी बात लिखनी है उपयुक्त परिपथ को अनुदेशक को जांच करवाया, यानी कि हमने जो जो कार्य किए हैं अभी तक में दो लाइन्स में डायग्राम बनाने समेत, उसे हमने अपने इंस्ट्रक्टर को चेक करवा दिया कि यदि कोई इस सर्किट में कोई गलती है तो आप हमें बता दीजिए। ये लाइन आपने लिख दी। फिर आपको लिखना है कि हमने वोल्ट मीटर एमीटर के जो भी मान आए हैं उसे हमने एक टेबल बनाकर एक सारणी बनाकर नोट कर लिया है। प्रैक्टिकल की जांच अनुदेशक से करवाई। अब हमने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया है और अनुदेशक से जांच करवाई। अब इस चौथी और पांचवी लाइन के बीच में यहां आपको एक दो लाइंस अपनी तरफ से ऐड करनी है, यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए वरना आप इन छह लाइनों को छाप कर आ जाइए, आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला। आप लाइंस लिख कर आ सकते हैं, यदि आपका नॉलेज है तो जरूर लिखिए। फिर आपको लिखनी है कि हमने प्रैक्टिकल की जांच करवाई अपने इंस्ट्रक्टर से और इस तरह पूरा प्रायोगिक सत्यापन हमने किया। तो ये छह लाइंस आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट लास्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपको क्या हुआ, रिजल्ट में आपको लिखना है उद्देश्य में जो लिखा है उसकी कॉपी करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अब पूरा प्रैक्टिकल का प्रोसेस हमने इस वीडियो में नहीं देखा है, हमने ओनली कार्य विधि पर बात की है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि पूरा प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाते ही ऊपर ही ऊपर, और उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें हमने सारी बात की है प्रैक्टिकल को शुरू करने से लेकर लास्ट तक, लेकिन कार्य विधि बची हुई थी उसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बता देता हूँ। आप YouTube पर हमारी चैनल में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए या फिर आपको मिल जाएगी ITI प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट, आप इसे ज़रूर देखिए। ITI प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज हमने दे रखे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लगातार वीडियोज दे रखे हैं, साथ ही ड्रॉइंग के MCQs आज तक किसी चैनल ने नहीं दिए हमने दे रखे हैं। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग ITI सेकेंड ईयर के MCQs हमारे चैनल ने दे रखे हैं, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं।